कई भक्तों को स्वप्न में दर्शन देता है, शेयर मत करना किसी से, ये बड़ी पर्सनल मैटर होना चाहिए आपका। तो प्रेम क्या करता है, प्रेम को जब आपके हृदय में प्रकट होना होता है तो आपका हृदय निर्माण हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, और प्रेम जब हो जाता है तो भगवान को तुम्हारे मंदिर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर क्या होता है, बोले जैसा तुम चाहते हो वैसा होता है, आते कब है जब तुम चाहते हो, जाते कब है जब तुम चाहते हो, सोते कब है जब तुम चाहो, पाएंगे कब जब तुम तैयार कर दो। और भगवान बोले फिर उनकी अपनी अलग ही ड्यूटी, उनकी अलग ही दुनिया, तुम रंग दो खाएगा ही नहीं, तुम बुलाओ आएगा ही नहीं। भगवान तो भगवान, भगवान कोई नौकर थोड़ी, भगवान तो एक मंदिर में उसके लिए बड़ा विशाल सा मंदिर बनाइए, वहां जाके खड़े हो जाओ, सुने तो सुने, देखे तो देखे, नहीं तो नहीं। अब बताइए ज्ञानी बनने में लाभ है कि प्रेमी, जोर से बोलिए, भगवान को पाना है तो क्या बनना चाहिए, और प्रेमी बनना आसान है, ज्ञानी तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता ना, ज्ञान कभी पूरा होगा कि आज तक किसी का बताइए, प्रेम बोले कभी अधूरा हुआ है, जिस दिन शुरू कर दो उसी दिन पूरा हो जाता है प्रेम, आई लव यू बोल दो बस वहीं से शुरू है, लेकिन वो आई लव यू दिल से बोला जाए, वर्डिंग ना हो। जब आप दिल से बोल दोगे उन्हें आई लव यू तो आपकी वो बॉडी जब नहीं रहेगी तो मेरे ठाकुर जी आपको उसी दिन आपका प्यार पूरा कर देंगे और आपका कल्याण करेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो जरा, तो फिर आनंद आएगा महाराज। तो वृंदावन भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, नारद जी महाराज बोल रही है तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, कैसे किया जाए। बोले महाराज ज्ञान वैराग्य जब तक उचित नहीं होंगे तब तक हमारा भी काम नहीं होने वाला, हम हमारा मन शांत नहीं होने वाला। बोले चिंता मत करो, हम कोशिश करते हैं। अब नारद जी महाराज ने खूब कोशिश की, किसकी, ज्ञान वैराग्य को जवान करने की, पर ज्ञान वैराग्य को नारद जी भी उचित ना कर सके। तब वृंदावन से नारद जी जो हिमालय है वहां गए, वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले, उन्होंने पूछा हे नारद जी आप उदास क्यों हैं, तो उन्होंने बता दिया कि ज्ञान वैराग्य वृद्ध है जिनकी वजह से भक्ति दुखी, मैंने उपाय भी किया उनको ठीक करने पर हुआ नहीं। तब देवर्षि नारद को सनकादि कहते हैं उन्हें भागवत सुनाओ, जब वो भागवत सुनेंगे उनका कल्याण हो जाएगा। तो भागवत कहां सुनाई गई, बोले कनखल हरिद्वार। और जब सातवें दिन भागवत पूरी हुई तो निर्विघ्न जब भागवत पूरी हुई, देखो हमारे लिए भागवत पूरी सुनना हर किसी की बात नहीं है, हर कोई व्यक्ति पूरी भागवत नहीं सुन सकता, तो कौन सुन सकता है, बोले जिसके बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाए वो व्यक्ति भागवत पूरी सुनता है। आप देख लीजिए मैंने कितने लोगों को, मैंने इतने यहीं पे इतनी कथाएं करता आ रहा हूं, कितने लोगों को मैंने देखा है कि उनसे भागवत कहीं ना कहीं छूट जाती, पूरी नहीं सुन पाते, और जो पूरी सुन पाते हैं वो भगवान के बहुत अजीज हैं। ऐसे भी हैं फॉलोअर्स हमारे जो हर जगह पहुंचते हैं और पूरी मुझसे पहले पहुंचते हैं और मेरे निकलने के बाद निकलते हैं, ऐसे भी फॉलोअर्स हैं, पूरी कथा सुनते हैं और सातों दिन सुनते हैं। वो बोले फिर उनके बारे में मत चर्चा करवाइए, उनके बारे में तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि समुद्र में रहने वाली सारी मछलियां गंदी नहीं होती, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनके संरक्षण में सारा वो पूरा जल भी पवित्र रहता है, तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जिनको भगवान वो अधिकार देता है कि नहीं तुम हमेशा श्रवण करने के लिए बने हो, तुम करो श्रवण, तुम्हें श्रवण ही करना है और तुम्हारे लिए ही कथा हो रही है, भगवान उन्हीं को टारगेट करवाता है कि नहीं ये कथा तुम्हारे लिए हो रही है। बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं जरा समझे। तो भागवत पूरी सुनना ये बड़ी बात है। और जब भागवत हरिद्वार में संपन्न हुई
तो ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। बोल भागवत महापुराण की जय। अब एक और प्रसंग भागवत के मार्ग में आता है, गोकर्ण धुंधकारी की कथा। गोकर्ण धुंधकारी आत्मदेव के पुत्र है और दोनों का चरित्र भिन्न भिन्न है। एक कुसंग की वजह से हुआ और एक सत्संग की वजह से, एक संत के फल से हुआ और एक कुसंग से हुआ। जितनी भी माताएं यहां बैठी हैं, मॉडर्न माताएं जो बैठी हैं, प्लीज लिसन टू मी। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मम्मी बनना इनफ नहीं है। इन बच्चों को डॉलर देना इनफ नहीं है। इनको हाउस दे देना, इनको एजुकेशन दे देना इनफ नहीं है। तो क्या करें महाराज? बोले सही मां बनो, अच्छी मां बनो, ऐसी मां बनो कि तुम्हारे संतान, देखो जिस मां का बच्चा अगर धर्म से दूर हो, भक्ति से दूर हो, तो उस मां की कोख को हमारे शास्त्रों में बुरी कोख कहा गया। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, मेरे ऊपर ब्लेम, मैं कई प्रश्नों का जवाब भी देता हूं तो कई लोग मेरे ऊपर ही सारा ब्लेम थोप देते हैं, ये गलत है। मेरे एक एक संत को सुना कर उसके बाद अर्थ निकाला कर। कई प्रश्नों के जवाब हमें देने तो शास्त्रों से ही पड़ेंगे ना, और जब जवाब तुम्हें चाहिए तो हम दे रहे हैं, वो मेरी चोरी नहीं है। मैं कहीं का संदेश आपको पहुंचा रहा हूं, या तो आप मेरे से प्रश्न करो, अगर प्रश्न करोगे तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। तो हमारे रामायण में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने, पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नतर बांझ रहे बांझ बिहानी, राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त ना हो, उससे तो बढ़िया है कि उसकी कोख से कोई जन्म ही ना ले। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा कह। अब इसका मीनिंग ये मत ले लेना कि महाराज वो तो चाहते हैं पुत्री संतान नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कैसी है ये बात की बात है। मेरी संतान कैसी हो, राम भक्त हो कि रावण भक्त हो। आज भी रावण क्यों जलाया जाता है, क्यों राम की पूजा आज भी की जाती है? वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो भी रावण को जला दिए जाते हैं, वो क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं तो भी राम की पूजा होती। क्यों? क्योंकि रावण धर्म का विनाश चाहता है और राम धर्म का प्रकाश चाहता है, विकास चाहता है। राम में और रावण में अंतर क्या है? राम चाहते हैं धर्म की स्थापना हो और रावण चाहते हैं अधर्म की स्थापना हो, यही तो फर्क है। हम में और आप में समस्या क्या है? हम में और आप में यही समस्या है कि हम लोग चाहते हैं हमारा विकास हो, हमारे धर्म का कुछ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधु, धर्म होगा तो आपका आत्म कल्याण होगा और अधर्म होगा तो शरीर का भी विनाश होगा और आत्मा का भी विनाश होगा। तो जितनी भी माताएं यहां पर बैठी हैं या जो फ्यूचर में कभी बनने वाली हैं या जो बन गई हैं, उनके नाती पंती जो हैं, आप सबको अपने भगवान से एक चीज मांगनी चाहिए, चाहे मेरा बेटा मेरी सेवा करे ना करे, लेकिन मेरा सेवा धर्म की सेवा करे मेरा बेटा, इतनी कृपा जरूर करना। क्योंकि धर्म की सेवा करेगा तो ही उसका आत्मा कल्याण होगा। अगर धर्म की सेवा नहीं की तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हे मेरे भाई बहन, तुम्हारा बेटा धर्म की सेवा करे न करे, उससे शरीर का क्या भला होगा, मेरा क्या भला होगा? तुम्हारा बेटा कभी अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, उससे मैं मिलूंगा भी कि नहीं मिलूंगा, मेरा क्या पता? मिल भी गया तो 200-400 मुझे रुपया दे देगा, उससे मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा धर्मात्मा बन गया तो सबसे बड़ा फल तुम्हें मिलेगा, जीवन भर तुम्हारे बुढ़ापे में वो तुम्हारा सहारा बनेगा, सबसे बड़ी बात कि वो अपना आत्म कल्याण करने में सफल होगा। एज ए मां बाप, एज ए पेरेंट्स, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को धर्मात्मा बनाइए। अगर नहीं बना सकते तो आप मां नहीं, सिर्फ बेबी सीटर बने, सिर्फ बेबी सीटर, मां नहीं बन सकती। मां बनने के लिए बहुत बड़ा गुण चाहिए मेरे भाई बहन, सुमित्रा
अपने बेटे लक्ष्मण को कहती है जा राम की सेवा कर जीवन भर, हम क्या कहते हैं जाओ स्कूल कुछ बनो। स्कूल में क्या बनेगा, कॉलेज में क्या बनेगा, यूनिवर्सिटी में क्या बनेगा, सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनेगा। तो क्या स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं भेजे, बिल्कुल भेजिए, लेकिन जो वहां नहीं पढ़ाया जाता वो बाद में फिर आप पढ़ाए, और आप ना पढ़ा सके तो बोले फिर हम जैसों के सामने लाके बैठा दीजिए, आप आइए साथ में बैठिए, कुछ तो सीखेगा। पहले बताइए आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं, इतने दिन आपने टीवी पे कथा सुनी है, यहां सुनी है, कहीं ना कहीं टीवी पे देखा होगा, तभी ना यहां के बैठ गए भाई। मेरे को पर्सनली तो आप जानते नहीं, मेरे को पर्सनली आप लोगों से मिला नहीं, मैंने बुला नहीं आपको, फोन किया नहीं, आप आए कभी तो सुने होंगे, कुछ सुने होंगे तो कुछ मिला होगा, कुछ मिला होगा तभी ना यहां के बैठ गए। हाँ जी कि ना जी, तो जो आपको मिला वो आपके बच्चों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, आपके और लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर वही चीज आपके सारे सर्कल को मिल जाए तो आपका सर्कल कितना सुंदर हो जाएगा, दूसरा मत नहीं होगा उस सर्कल में, जीवन का उद्देश्य होगा आपके उस सर्कल में। मेरे भाई बहन, इस शरीर का क्या है, ये शरीर और कितने साल रहने वाला है, लेकिन धर्म था, धर्म है और धर्म रहेगा। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। आत्मा का संबंध धर्म से है, इसलिए हर मां को अपने बेटे को धर्म समझाना चाहिए। जीवन में जिएगा तो पैसा तो कमा ही लेगा, भूखा कोई नहीं मरा, आज तक मरा नहीं भूखा, कोई नहीं मरता, भगवान सबके अरेंजमेंट करता है। चींटी को दान, छोटी सी चींटी है, आपके हिसाब से दुनिया में कितनी चींटी होगी बताओ, उनको हम जाते खिलाने, आप जाते खिलाने, कौन जाता उन्हें खिलाने? चींटी जो किसी को दिखे ना, चींटी जो किसी को दिखे ना, क्या वो भूखी रहती? कौन सी फैक्ट्री में काम करती चींटी, कौन से वर्क है उसका, कौन सी वर्कशॉप, कौन सा वो स्टोर खुला हुआ उसका, बोलो। अमेरिका आई चींटी, डॉलर कमाने जा रही हूं, ज्यादा कमा लाऊंगी तो अपने परिवार को पालूंगी, आई क्या चींटी, तो वही जी रही, यहां की यहां जी रही, पर उन्हें देख कौन रहा है, 8 घंटे ड्यूटी नहीं करती है वो, फिर भी मिल रहा है। चींटी को इतना, और हाथी को, कितने हाथी है दुनिया में, न तो तुम चींटी हो न तुम हाथी हो, पर तुम चिंता क्यों करते हो, इस बात की करते हो? जो हाथी का पेट भर सकता है उतना खा सकते हो तुम 1 महीने में जितना नहीं खा सकते, हाथी 1 टाइम उतना खाता है। और कितने हाथी होंगे, तो जो हाथियों का पेट भरने वाला है तुम्हारा नहीं भरेगा, तो क्या हमारे कीर्तन करने बैठ जाए? नहीं, कर्म करो लेकिन भक्ति के लिए टाइम निकालो, आत्म कल्याण के लिए समय निकालो। अगर नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब तुम बुजदिल हो, तुम अपने लिए, अपने कल्याण के लिए तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारा कल्याण हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कल्याण, डॉलर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, घर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, आत्मकल्याण तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इट्स कन्फर्म माय डियर, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो माँ को क्या करना चाहिए, अपना बेटा सुंदर धर्मात्मा बनाना चाहिए, धीरे धीरे उसे धर्म दो, उसे धर्म की बातें सिखाओ, और जब गर्भवती हो तब और ज्यादा ज्यादा अच्छी। अब तो मेरे सामने इतने उदाहरण आने लगे कि अब तो कई बच्चों को लाती हैं माताएं, तो कहती हैं महाराज जब आपका टीवी पे भजन सुनता है ना, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ, टीवी पे जब आपका भजन सुनता है तो अपने आप ताली बजा के नाचता है, किसका फर्क, क्यों ऐसा क्यों करता है? बोले जब ये होने वाला था तो हम आपकी कथा सुनते थे, तो जब सुनते ही नहीं तो क्या होता, सुना तो ही असर होगा ना। कैचिंग पावर बच्चे की गर्व से ही शुरू हो जाती है, याद रखिए, गर्व से, और बचपन से ही जो चीजें आप उन्हें सुनाते हो, सिखाते हो, दिखाते हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कभी भी अपने बच्चों के साथ मूवी मत देखा करो, सीरियल मत देखा करो, प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। और जब तक शादी न हो तब तक वो मूवी सीरियल न देखें, ऐसा ज्ञान भी उनको दो, वरना आपका बच्चा भटक जाएगा।
और अगर बच्चा भटका तो वो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। एक बेटा धुंधकारी है और एक बेटा गोकर्ण है। गोकर्ण की जिम्मेदारी देखिए ना कितनी पूजा, आज भी गोकर्ण का नाम आता है हृदय में भाव उत्पन्न भक्ति उत्पन्न होने लग जाती है। धुंधकारी का नाम सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भयानक है, सब कुछ काला काला सा है, सब कुछ बहुत ही विचित्र है जो नहीं होना चाहिए लाइफ में, सब कुछ बड़ा भयानक सा है। हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी, कैसा बेटा चाहते हो? धुंधकारी और गोकर्ण दोनों में से एक चुनो। लेकिन गोकर्ण तो संत का प्रसाद है, गौ का नहीं है, संत का प्रसाद है, सत्संग का प्रसाद है। संत ने प्रसाद दिया है, आपके घरों में तो संत आते ही, हमारे घरों में आते हैं संत, आने चाहिए, आने चाहिए। हमारे यहां का नियम है गृहस्थी को सबसे पहले संत को खिलाए, अतिथि को खिलाए फिर खाए, तो सदगृहस्थ है वो। हम तो 100% खाते, आप भी कोशिश कीजिए आपके घर में लोग आए, आपके घर में संत महात्मा आए, उनकी सेवा करो, उनको मनाओ, क्योंकि संत जो दे सकता है वो भगवान भी नहीं दे सकता। इट्स ट्रू माय डियर, जो संत दे सकते हैं वो भगवान भी नहीं दे। और जिसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं थी, ऐसे आत्मदेव के भाग्य को संत ने कह दिया जाओ तुम्हें पुत्र होगा ये फल ले जाओ, और उससे गोकर्ण हुआ, पत्नी ने नहीं खाया, गाय से पुत्र हुआ, गौकर्ण जैसा पुत्र, भक्त वेदांती धर्मात्मा। धुंधकारी माखल, गौकर्ण पड़े तो गया धुंधकारी माखल, वो माखल है। आत्मदेव रो रहे कैसा दुष्ट मेरे घर में क्यों पैदा हो गया। आत्मदेव तब भी रो रहे थे जब पुत्र नहीं था। जिंदगी के मेले में झमेले कम ना होंगे, यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग माय डियर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लगता है 65 साल जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम फ्री हो जाएंगे? इज इट पॉसिबल? जो जो 65 साल के होंगे उनसे एक्सपीरियंस ले लो भाई, अपनी गलती करके हम कुछ सीखेंगे तो मूर्खता है, हम दूसरों की गलती से सीख लेना, बुरा ही क्या उसमें भाई। अपनी गलती से सीखोगे तो उतना टाइम निकल जाएगा आपका, दूसरों की गलती से सीख लोगे उतना टाइम बच जाएगा आपका। जो 65 साल के हो गए, जो रिटायर हो गए, उनसे पूछ लो सर आर यू ओके, नाउ आर यू फ्री, वो कहेंगे नहीं अभी बाकी। अब क्या बाकी? बोले कि नाते में रह गई उसकी शादी करनी, लो जी अगले महीने उसकी भी हो गई, अब फ्री। बोलो नातन की भी शादी हो गई, अब फ्री? अभी भी फ्री नहीं। जिंदगी के मेले में झमेले कम ना होंगे, अफसोस इस बात का है एक दिन हम ना होंगे। दुनिया चलेगी, मेले रहेंगे, झमेले रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये एक दिन हम गुड बाय कहेंगे इस दुनिया से चले जाएंगे, और फिर तब हम रोएं और बड़ी पछताएं, उससे कोई बात काम की नहीं है। बात तो यही काम की है, जिंदगी जीते जीते ही ईश्वर को पाना है, ये कोशिश आपको करनी चाहिए। और ईश्वर प्रेम से मिलेगा, ईश्वर भाव से मिलेगा, ईश्वर श्रद्धा से मिलेगा, ईश्वर समर्पण से मिलेगा, और ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर मानव जीवन हम सबको जीना चाहिए। और जब ईर्ष्या द्वेष रहित आप मानव जीवन जियोगे, आई प्रॉमिस यू वन डे यू विल मीट द गॉड। इतना बड़ा प्रॉमिस कोई नहीं करेगा, मैं कर रहा हूं, लेकिन जैसे बोल रहा हूं वैसे जियो, जैसे बोल रहा हूं वैसे जियो। धुंधकारी जब दुखी कर रहा था तो आत्मदेव रो रहे थे, गोकर्ण जी महाराज ने पूछा क्यों रोते हो? बोलिए तेरा भाई दुख देता। बोले तेरा भाई मेरा भाई दुख नहीं देता, आपका रिश्ता, आपका मोह, बाप बनने का जो ममता था ना आप में, मोह था, लालच था, वो लालच आपको दुख दे रहा है। ही इज माय सन, ये दुख दे रहा आपको, बिकॉज यू ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ही इज योर सन। अरे इस दुनिया में तुम्हारा है क्या सिवाय भगवान के? जिस दिन तुम समझ लोगे कि भगवान का सब कुछ है मेरा कुछ नहीं, उसी दिन तुम्हें सुखी होने में 5 मिनट नहीं लगेंगे। और जब तक तुम दुनिया को अपनी गोद में बैठा के रखोगे तुम कभी सुखी नहीं रह सकते।
बोले दुनिया छोड़ के बाबा जी हो जाए, पर बिल्कुल नहीं। तो बोले दुनिया को क्या समझे? बोले भगवान का प्रसाद। क्या समझे ना? जोर से बोलो। इतनी ठंड थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ा बढ़ेगी दो तीन दिन बाद। मैंने बेहतर देखा है आपके यहाँ का, दो तीन दिन अभी ठीक है, फटाक चकाचक धूप पड़ेगा, पीछे हो गया था थोड़ा गड़बड़, अभी फिर ठीक है, फिर दो दिन ठंड पड़ेगा और फिर दो तीन दिन के बाद तो अपन हंसा उड़ जाएंगे उधर, हाँ कैनेडा जाएंगे, फिर कैनेडा से इंडिया चले जाएंगे और आपको गुड बाई नहीं कथा के बाद कह जाएंगे। अब के बहुत लंबा हो गया प्रोसीजर, नहीं राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुखी होना है, कैसे सुखी होगे? बोले कृष्ण को अपना लो, सुखी भगवान का प्रसाद समझो इस दुनिया को। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा होता हमारा होता तो हम अपने साथ ले जाते, हम अपने साथ इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारा नहीं है। गैर की चीज को थोड़ी ले जा सकते हम अपने साथ, सब कुछ अब वो बच्चे औलाद और कोई भी रिश्तेदार गलत हो तो बोले समझ लो भगवान ने खट्टा प्रसाद दिया। और जब यहाँ प्रसाद मिलता है आपको, भगवान यहाँ बनाए ना प्रसाद बनाए, तो उसमें खट्टा भी होगा मीठा भी होगा और वो है तो प्रसाद ही ना, नमकीन भी होगा। तो जब कोई नालायक किस्म का परिवार में आ जाए तो समझो भगवान ने खट्टा किस्म का प्रसाद दिया। जब पॉजिटिव टाइप का मिल जाए तो भगवान ने हलवा खिलाया। सीधी सी बात है, तो प्रसाद ही भगवान का ही है और मेरे कर्म के हिसाब से ही मुझे परिवार मिलता है, मेरी फैमिली मिलती है। ये हमेशा सोचना चाहिए कि निश्चित तौर पे हमारे कर्म कुछ ना कुछ ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से हमें हमारी ऐसी फैमिली मिली। ठीक है, अंडरस्टैंड? कुछ भी मेरा सब कुछ बाप रखो। गोकर्ण जी ने यही समझा अपने पिता को, क्या करना चाहिए? श्रवणों से भगवान की कथा का श्रवण, नेत्रों से भगवान का दर्शन, वाणी से भगवान का गुणानुवाद, पैरों से पद यात्रा तीर्थ यात्रा, हाथों से संतों की सेवा दान पुण्य, हृदय में भगवान का वास, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिताजी ये संसार आपका नहीं, परमात्मा आपका है। बेटे के मुख से ज्ञान सुना और तुरंत दामोदर देवगढ़ छोड़कर निकल गए, सुखी हो गए। धुंधकारी की मां नहीं निकली धुंधली तो उसको धुंधकारी ने पीट दिया, खूब ही पीटियो भैया, चक कर रही है बचवे को भागी वाले भीत में देखे, खूब ही सेवा करी बाकी राधे राधे। ये भीत में तो मैं अपने आप लगा रहा हूं क्योंकि मैंने एक बार शब्द सुना बड़े गजब का, अब वो मेरे दिमाग में चढ़ गया है। एक ब्रजवासी दूसरे पीट पाट के आया, जन पिट के आया भगवान वाले आए कि कहीं अपने घर में मैंने भीत में देखे खूब ही मारो सारे कुएं, सुन लिया हमने तो दिमाग में चढ़ गया, अब बड़ा प्यारा लगता है, खूब ही मारे सारे भीत में देखे। तो महाराज अपनी माँ को पीटा उसने, धुंधली को, धुंधकारी ने, अब धुंधली रो रही, मेरा बेटा मुझे अपमानित कर रहा है, इससे तो गोकर्ण अच्छा है, मेरे पति की बात मान लेती तो मेरा गोकर्ण बेटा होता। जितने भी लोग यहां बैठे हैं युवा की आदमी, जब जब आप अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे आप दुख पाओगे, जब जब आप सम्माननीय लोगों का अपमान करोगे, जब जब उनके बताए हुए मार्ग को आप ठुकराओगे आप कभी खुश नहीं रह सकते। ये मेरा वादा आपसे, कभी नहीं। आप साधन पे इकट्ठा कर लोगे सुख नहीं आएगा, सुख आशीर्वाद में है, सुख सत्कर्मों में है। अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, अपने बड़ों को जो सम्माननीय लोग हैं उनका सम्मान करो। धुंधली गोविंदायनमोनमा, फिर धुंधकारी और बिगड़ गया, वो भी मार दिया गया, मर के वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद जब धुंधकारी जी ने गोकर्ण जी से कहा तो गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा उनको श्रवण कराई और सातवें दिन आकाश से विमान आया, सातवें दिन, और उस विमान में बैठकर धुंधकारी गया धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश में। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है भाई, ये कलयुग की बातें हैं, धुंधकारी का कल्याण कलयुग में हुआ है। परीक्षित के कथा के बाद श्री गोकर्ण जी महाराज के धुंधकारी को कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज के बाद, इतना अभी ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं। तो जो भागवत धुंधकारी का प्रेत का कल्याण कर सकती है वो हमारा नहीं करेगी। क्या मिलता है भागवत से?
जो चाहिए सो एवरीथिंग. भागवत गिव्स यू एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू नीड. मनी ही गिव्स यू. यू वॉन्ट हैप्पीनेस ही गिव्स यू. ही वॉन्ट चिल्ड्रन ही गिव्स यू. ही वॉन्ट बिग हाउस ही. If you don't want any materialistic anything, then ये भागवत तुम्हें मोक्ष देगी. जिसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, भागवत उसका कल्याण कर देती है. क्या बोलना पड़ेगा? तो भागवत आपको वो सब देगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है. पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने. भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने. साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्री के अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है. जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराष्ट्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है. आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं. फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए. आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं. मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें. ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश. फोन नंबर 0735111221, 0735111331. दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085. फोन नंबर 0114756400008. मोबाइल 9212210143. वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in. ईमेल info@vsct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी vsct.